फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त आज आपके लिए लेकर आई हूँ सूरजमुखी के औषधीय गुण। सूरजमुखी जो कि बहुत ही सुंदर फूल होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सूरजमुखी हमारे लिए काफी उपयोगी है। इसके फूल, बीज और पत्तियों को हम औषधि के रूप में काफी काम में ला सकते हैं। तो आइए बिना किसी देर के आज जानते हैं सूरजमुखी के कुछ फायदों के बारे में। टिप नंबर 1, यदि किसी को मलेरिया हो गया है और शरीर बुखार से बहुत ही तप रहा है, तो आप सूरजमुखी की पत्तियों को पीसकर उसका लेप उसके शरीर पर लगा दीजिए। ऐसा करने से शरीर का तापमान नियंत्रित होगा, साथ ही साथ बुखार भी धीरे धीरे ठंडा पड़ जाएगा। टिप नंबर 2, जी मिचलाना हो या फिर बार बार उल्टी होना, अगर किसी को ये प्रॉब्लम हो रही है तो वह सूरजमुखी की पत्तियों का तेल निकाल कर दो दो बूंद करके अपनी नाक में डाल सकते हैं। ऐसा करने से काफी फायदा मिलेगा। नंबर 3, कई बार हमारे कान के अंदर कोई कीड़ा चला जाता है, जिसकी वजह से कान में बहुत ही ज्यादा दर्द होता है और चाह कर भी वो बाहर नहीं निकल पाता है। ऐसी स्थिति में आपको सूरजमुखी के तेल के अंदर 2 से 4 लहसुन की कलियों को अच्छी तरीके से पकाकर उस तेल को हल्का गुनगुना करके अपने कान में डालना चाहिए। ऐसा करने से वो कीड़ा भी मर जाएगा, साथ ही साथ तेल समेत कीड़ा कान से बाहर आ जाएगा। टिप नंबर 4, कई बार हमारा हाजमा गड़बड़ा जाता है, जिसकी वजह से अचानक पेट खराब हो जाता है। ऐसी स्थिति के अंदर आप गर्म दूध के अंदर 2 से 4 बूंद सूरजमुखी के तेल की डालकर उसका सेवन कीजिए। ऐसा करने से आपको आराम महसूस होगा। टिप नंबर 5, यदि आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको सूरजमुखी के बीजों का इस्तेमाल करना चाहिए। सूरजमुखी के बीजों के अंदर विटामिन बी और ई पाया जाता है, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। इसीलिए प्रेगनेंसी में अगर महिला को आप सूरजमुखी के बीजों का सेवन कराते हैं, तो ये उसके शरीर के लिए और शिशु के लिए दोनों के लिए ही अच्छा रहेगा। फ्रेंड्स, ये थे सूरजमुखी के कुछ औषधीय गुण। इन्हें अपनाइए और अपने व्यूज को हमारे साथ शेयर करिए। मेरी ब्यूटी और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए यूट्यूब पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।